अब तो ये नया इंडिया है, हम तो घर में घुस के मारेंगे। इनको भी पता है कि हम गलत हैं, ठीक है, इनको भी पता है, लेकिन बात पता क्या है, इनके दिमाग में ना ये पटवारी वाली जो सोच है। इस वक्त पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड टॉक करनी चाहिए। यही गुजारिश है कि वो चांद पे ना जाएं, वो जमीन पे ही रहें। इंडिया का मुकाबला तो ना कर सकते हैं वो, और ना उनको जरूरत है करने की। अगर कुछ करना है तो कुछ गरीबों के लिए करें। ये सारे लोग इधर हम काम करते हैं, धक्के खा रहे हैं कि ये सीधी खुल्लम खुल्ला वायलेशन है कि एक मुल्क का जो वजीर आजम है वो दूसरे मुल्क को कह रहा है कि हाँ हम आपके मुल्क में घुसेंगे मारेंगे। ये जो कश्मीर के हवाले से बात जब इनसे की जाती है, कश्मीर के बारे में कहते हैं कश्मीर हमारा अटूट अंग है, कहाँ लिखा है कि कश्मीर इनका अटूट अंग है? पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो स्टेबिलिटी सिचुएशन है, इकोनॉमी की जो हालत है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो किस तरीके से स्टेक पर है इस वक्त पाकिस्तान की, तो इन हालात से निकलने के लिए जहाँ और बहुत सारे स्टेप्स आप ले रहे हैं और आपको लेना चाहिए, तो एक स्टेप जो है आपको ये भी लेना चाहिए कि आपको इंडिया के साथ शेक हैंड करना चाहिए। क्योंकि कर्ज ही इतने, जब जो बच्चा पैदा हो रहा है उसने ही देना है आगे, इन्होंने तो देना नहीं है। इनका जब इक्तदार का टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो नया आएगा वो भी चांद पे जाएगा। इस सारी जिंदगी इन्होंने चांद पे जाना। आपने भाईजान एड ही ढूंढनी है, वही आपने लेने जाना है, और अभी आप शुक्र करें कोई अगर दुनिया में आपको एड दे दे। इंडिया कहाँ पर है तरक्की में, और देखिए हम कहाँ पर है। अब ये बातें कहते हैं क्योंकि हम मुसलसल कहते चले आ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं डंके की चोट पर कि भाई ये देखिए कि क्या हालात हो गए हैं और आपके जो नेबरिंग कंट्रीज है वो कहाँ पहुंच चुके हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान की ना अजीब सी हालत हुई पड़ी है। पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं वो लगातार सरकार से कह रहे हैं कि आप जो है ना भारत के साथ किसी भी प्रकार से जो अपनी ट्रेड है ना उसको दोबारा से शुरू करवाओ, पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा फायदा है। दूसरी तरफ भारत की तरफ से उनको सीधी चेतावनी है कि अगर आतंकवाद के ऊपर कंट्रोल नहीं किया तो भारत जो है ना पाकिस्तान के अंदर घुस कर मारेगा, तो ट्रेड करना तो भूल ही जाओ। तो इसी के ऊपर पाकिस्तान का मीडिया जो डिस्कस कर रहा है वो वीडियो देखने लायक है। वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक तो ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि अब हम दहशत गर्दों को डॉसियर्स नहीं भेजेंगे, अब तो ये नया इंडिया है, हम तो घर में घुस के मारेंगे, उनके होम टर्फ पे मारेंगे। ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की एक स्टेटमेंट है जिसको पाकिस्तानी समझ रहे हैं कि ये सीधी खुल्लम खुल्ला वायलेशन है कि एक मुल्क का जो वज़ीर-ए-आज़म है वो दूसरे मुल्क को कह रहा है कि हाँ हम आपके मुल्क में घुसेंगे मारेंगे, एंड कानून की खिलाफ वर्जी की बात कर रहे हैं, तो वायलेंस की तरफ लेके जा रहा है। आगे से दूसरी मुल्क पाकिस्तान भी इस हवाले से एक्शन ले सकता है। ये जो बात हो रही है पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के हवाले से, ये इसका एक पूरा एक कंटेक्स्ट है जिनसे अलग करके तो इस इशू को नहीं देखा जा सकता। पहली बात यह है कि इसमें वो लोग शामिल हैं जो किसी न किसी तरीके से भारत में या कश्मीर में इन्वॉल्व रहे हैं, मिलिटेंसी में उनको अरेस्ट किया गया या उनको मुख्तलिफ तरीके से जो है कम्बैट के बाद भाग के वहाँ से आए, मुख्तलिफ उनकी अपनी अपनी वो हैं। तो उसके बाद वो आके तो पाकिस्तान में जो है एक तरह की जो रिहेबिलिटेशन है उसके तहत उनकी रीसेटलमेंट हो गई। कोई किसी मस्जिद का मौलवी बन गया, कोई किसी खैराती इदारे का सरबराह बन गया, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का सदर बन गया। तो इस तरीके से भारत ने ये कहा कि भाई ये जो दहशत गर्द जिन्होंने हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की, हम पे हमले किए और हमारे ख़िलाफ़ जो है इन्फिल्ट्रेशन से लेके टेररिज्म तक पूरा एक्टिव रोल प्ले किया, इनको पाकिस्तान में शेल्टर दिया जा रहा है। चूँकि ये एक शेल्टर की शक्ल है कि जब आप उनको इस तरीके से मुख्तलिफ अहदों पे फायज होने का मौका दें, जबकि ऐसे लोग जो होते हैं वो एक कॉन्स्टेंट वॉच में होते हैं एजेंसीज और पुलिस कि उनकी हाजिरी के जो है वो स्केजल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसका मतलब है ये शेल्टरिंग हो रही है, बेसिकली फैसिलिटेशन हो रही है। भारत अगर कहे कि नो मोर दोसिए या दासिए या ये जो आप कहते हैं, ये अवाम की आसानी के लिए ये फाइल को कहते हैं दोसिए, फ्रेंच लफ्स है,
इसका मतलब होता है एक फाइल, एक पूरा प्रोफाइल एक आदमी का बनाया जाता है। और वो पहले ये होता था कि इस तरह के प्रोफाइल बना के, फाइलें बना के तो यूनाइटेड नेशन में या दूसरे इंटरनेशनल फोरम्स पे सबमिट की जाती थी, इंडिया की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी, कि जी ये हमारे हाँ इन्फिल्ट्रेशन हो गई या दहशत गर्दी हो गई और इसके पीछे किस किस का हाथ है। तो उन्होंने अब उस तजर्बे की रोशनी में कहा कि ये तजर्बा चूंकि कामयाब है तो इसमें हमें ये फाइलों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है कि हम कागजी कार्रवाइयां करें, इसके बजाय हम डायरेक्टली हिट करेंगे बंदे को वहीं पे जहाँ पे वो हमारे खिलाफ किसी तरह की किसी सरगर्मी करने के बाद छुपा हुआ है या तैयारी कर रहा है। क्या समझते हैं कि जो भाई ने बात की है कि भाई हमेशा की तरह ऐसा ना हो कि फिर से एड लेने जाएं, आपको क्या लगता है ट्रेड के लिए गए हैं या एड के लिए गए हैं? देखिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क का मसला जो है ना, या मसाइल जो है वो तब हल होंगे जब हमें मसले की जड़ का पता होगा। अच्छा, क्या मसला है? क्या अगर हम लोग अपने आप को ये समझेंगे कि हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क के रुकन हैं और तरक्की याफ्ता मुल्क के शहरी हैं तो फिर मेरे ख्याल में हमें हम हकीकत में नहीं जी रहे, हमें हकीकत में जीना चाहिए। हमारा GDP रेट जो है, हमारा हमारे यहाँ जो मीशत के जो हाल है, इन्फ्लेशन रेट है, काइबर का जो रेट है, उसके मुताबिक आपने भाईजान एड ही ढूंढनी है, वही आपने लेने जाना है। और अभी आप शुक्र करें कोई अगर दुनिया में आपको एड दे दे। नहीं, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, आप ये भी तो कह सकते हैं कि भाई दुनिया में कोई आपके साथ ट्रेड कर ले, यानी ट्रेड वाला कंसेप्ट खत्म कर चुके हैं आप? नहीं नहीं, ट्रेड भी जो हमारे नए वज़ीरे खजाना साहब हैं और IMF के जो नए मामलात हैं और IMF पाकिस्तान की जो मईशत है उसको एक अच्छी डिगर पर लाने की कोशिश कर रहे हैं वो। अच्छा, तो ट्रेड तो अपने तौर पर चलेगी। IMF की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाए या पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी पाकिस्तानियों की है, लेकिन IMF जो है आपको कर्ज उस सूरत में देगा जब आप पॉलिसीज जो हैं अवाम दोस्त बनाएंगे, अशराफिया के ऊपर टैक्स लगाएंगे, डायरेक्ट टैक्सेशन करेंगे, या IMF की डिफरेंट शराइत है और IMF की शराइत के मुताबिक अगर ये मुल्क को चलाना शुरू करेंगे तो आपका मामला काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मैं एक और चीज़ आपको दोस्तों से कहना चाहता हूँ, देखिए पाकिस्तान पर अब एक रहमत के साए मुझे लगता आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, कि एक इसराइल का दुश्मन और वो ईरान, वो पाकिस्तान के दौरे पे छोटा भाई शहबाज शरीफ उसको मिल रहा है, बड़ा भाई जो है वो अमेरिका के दुश्मन चीन के दौरे पे है। अच्छा, और वहाँ पे दोस्ती की पिंगे भर रही हैं और ट्रेड की बात हो रही है और दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ना वो, यानी मैं भी थोड़ा हैरान हुआ हूँ। ठीक है, अच्छा नहीं, इनसे एक बात ये मैं जरूर पूछूंगा। अच्छा, अच्छी बात है जैसे आपने बताया कि भाई पाकिस्तान में कोई बेहतरी आने लगी है क्योंकि एक छोटा भाई जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है वो ईरान के साथ डील कर रहा है और दूसरा चाइना के साथ डील कर रहा है। क्या वजह है ईरान से डील करके भी हम ऑयल क्यों नहीं ले, तेल क्यों नहीं ईरान से ले सकते और चाइना के साथ गैस क्यों नहीं ले सकते और चाइना के साथ डील करके हम CPEC के ऊपर उस तरीके से वर्क क्यों नहीं कर पा रहे जैसे तेजी से करना चाहिए? दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने 2-3 प्रकार की अलग अलग वीडियो क्लिप देखी है, वीडियो के शुरुआत में जो आपने पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा को और बैरिस्टर हामिद बरसानी साहब को सुना है, वो जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक यही है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी चुनावी सभा के दौरान एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि अब भारत जो पहले वाली जो नीति थी कि भारत के अंदर कोई आतंकवादी घटनाएं होती थी तो भारत एक डोजियर तैयार करता था और UN के अंदर जाता था, वहां पर बताता था कि देखिए पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवाद फैला रहा है, क्या कर रहा है। तो भारत ने जो है ना अपनी वो नीति अब जो है ना बदल दी है, अब कहीं पर कोई डोजियर वगैरह देने की जरूरत नहीं है। अब भारत को लगेगा कि ये जो आतंकवादी है ये पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान के अंदर से इनका जो ग्रुप है वो ऑपरेट कर रहा है और इनकी जब लोकेशन पता चलेगी तो भारत जो है ना पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो है ना इन आतंकवादियों को ठोक देगा, ये सीधा सा रास्ता है, किसी को डोजर वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के ऊपर ये डिस्कशन चल रहा था कि भारत ने जो है ना किस प्रकार से अपनी जो नीति है वो बदल दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर अभी कुछ दिनों पहले उनके जो PM है शहबाज शरीफ, उन्होंने अपने जो बिजनेस मैन है कराची के अंदर उनकी एक मीटिंग बुलाई और उसमें जो है ना उन्होंने सलाह मांगी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे ठीक किया जा सकता है।